हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। और हम आपके सामने हैं 1D मोशन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि एक्सेलरेटर सीरीज का जो मेन मोटिव है स्टूडेंट, आप लोगों की कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखना है। आप लोग अपने नीट और JEE फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके साथ टच में रहें, कॉन्सेप्ट्स को ना भूलें, यही मेन मोटिव है स्टूडेंट एक्सीलरेटर सीरीज का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारा आज का नया कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपके सामने है स्टूडेंट, और प्रॉब्लम देखिए जरा क्या है, हम लोग समझते हैं। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। देखो बच्चों, दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों बातें डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट? फर्स्ट हमें कहा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इन पर्टिकुलरली nth सेकेंड, और सेकेंड हमें कहा गया है कि n सेकेंड में हम लोगों ने कितना चला है। और इन सबसे परे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में जीरो के इक्वल है। अब देखते हैं कि nth सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस चली है। बच्चों, nth सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस चलती है उसे हम इस इक्वेशन से शो करते हैं। ये हमारी मोशन की फोर्थ इक्वेशन है, और फोर्थ इक्वेशन ये बताती है कि बॉडी ने nth सेकंड में कितना ट्रेवल किया है। इनिशियल स्पीड आपके पास में जीरो के इक्वल है। u को जब हम लोग जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास में कंडीशन बनेगी a बाय टू टू एन माइनस वन, दिस इज द कंडीशन नंबर वन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल है क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक। बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि nth सेकंड में बॉडी ने इतना ट्रेवल किया है। अब देखिए हम लोग क्या कंडीशन लेकर आएंगे बच्चों। अब हमें यह कहा गया है कि n सेकंड में कितना ट्रेवल किया गया है। n सेकंड में देखो, nth सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम यूज करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का, और अगर हमें कुल मिलाकर पूरे टाइम इंटरवल में निकालनी है डिस्टेंस तो हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बच्चों। और मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है Sn इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप देखिए, u तो आपको जीरो के इक्वल दिया है और टाइम आपको दिया है n सेकेंड, तो हम एक काम करेंगे, u को रिप्लेस करेंगे जीरो से और टाइम को रिप्लेस करेंगे n से, तो हमारे पास में बनेगा हाफ an स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई ये सिचुएशन अपने पास में बनी बच्चों, हम लोगों को इन दोनों का रेशो चाहिए, द रेशो ऑफ डिस्टेंस, यानी ये फर्स्ट ये सेकेंड। जैसे ही हम लोग इन्हें डिवाइड करेंगे तो एस एन एथ अपॉन एस एन इज इक्वल टू ए बाय टू टू एन माइनस वन, और यहां पर हमारे पास में बचेगा ए बाय टू एन स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ए बाय टू कैंसिल आउट, इसे सॉल्व करेंगे 2 अपॉन एन माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारे सामने बच्चों निकल कर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर हमारे पास में रहने वाला है, थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास में करेक्ट है बच्चों। कुछ ऐसे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी बात, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एक नई प्रॉब्लम देखते हैं और आपके सामने कि भाई प्रॉब्लम है क्या बच्चों। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद वेलोसिटी u, इट रीच अ पॉइंट इन इट्स पाथ एट t1 एंड t2 फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, देन t1 प्लस t2 इज। बच्चों, हम लोगों को बताना है कि t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होने वाली है स्टूडेंट। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि t1 प्लस t2 की वैल्यू होगी क्या। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की लैंग्वेज को समझते हैं बच्चों की प्रॉब्लम की लैंग्वेज है क्या। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या है, ये ग्राउंड लेवल आप लोगों को दिया है बच्चों, ग्राउंड लेवल। मैंने ग्राउंड लेवल से
एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, बॉल ऐसे ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद में बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने एक लेवल लेट किया स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है वो है T1, ओके, और पूरा यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है, ध्यान से देखिएगा, T1 जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ओके, और जो T2 टाइम है ना बच्चों अपने पास में, वो पूरा यहाँ से यहाँ का टाइम है बच्चों। T1 टाइम मेरे पास में इतना है और T2 टाइम की जो कंडीशन मुझे दी है बच्चों वो ये है, T2 टाइम मेरे पास में यहाँ तक का है, ये T2 टाइम है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है कि भाई बताइए क्या सिचुएशन हमारे पास में रहने वाली है। T1 प्लस T2 की जो वैल्यू हमारे सामने आने वाली है बच्चों वो कितनी आने वाली है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे बताएंगे। भाई T1 टाइम तो हमारे पास में ये हो चुका है बच्चों, हो चुका है ना, ठीक है। T2 टाइम कितना होगा जरा हम लोग देख लेते हैं, भाई T2 टाइम कितना होगा। देखो यार, हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि T1 टाइम इतना है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर T1 टाइम लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी में मोशन की खास बात होती है बच्चों, अगर यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगेगा तो डेफिनेटली नीचे आने में भी T1 टाइम ही लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम अगर लगने वाला है ना आप लोगों को, तो यहाँ से नीचे आने में भी T1 टाइम लगने वाला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है ये T2 टाइम है और ये T1 टाइम है, मुझे बताना है कि T1 प्लस T2 क्या होगा। भाई मैं साफ साफ आप लोगों से कहूँगा कि भाई T1 प्लस T2 का मतलब होगा पूरी जर्नी का टाइम। जो T1 प्लस T2 मेरे पास में होगा, T2 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, T1 ये है। इसे मैंने T1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो T1 है और ये टाइम भी मेरे पास में T1 होगा। नीचे से ऊपर जाने का टाइम अगर T1 है तो ये टाइम भी T1 होगा। इन दोनों का सम कहलाएगा बच्चों कैपिटल T। अब कैपिटल T क्या है स्टूडेंट, कैपिटल T है पूरी जर्नी का जो टाइम है वो कैपिटल T है। भाई पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा ये देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने का होगा, ठीक है। हम लोग लगाते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम की वैल्यू मेरे पास में निकलेगी बच्चों वो ये निकलेगी U/G। कैसे, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है बच्चों यू, एक्सीलरेशन हम लोगों को दे रखा है ग्रेविटी और टाइम है हमारे पास में टी। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकलेगा U/G, बिल्कुल इतना ही टाइम होगा ऊपर से नीचे आने में। तो कुल मिलाकर पूरी जर्नी का जो टाइम मेरे पास में हो गया है बच्चों वो ये हो गया है 2U/G, यानी कैपिटल T की जो वैल्यू होगी वो 2U/G होगी। सो करेक्ट आंसर इज 2U/G, ये सिचुएशन हमारे पास में बच्चों रहेगी। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों।